दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लेजी लर्न पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है दोस्तों, अर्थिंग पिन जो होती है वो मोटी और लंबी क्यों होती है, उस पर चर्चा करते हैं। ये इंटरव्यू में फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमारे घर के इक्विपमेंट जैसे प्लग सॉकेट हो गया, प्लग हो गया, उसमें आप देखेंगे कि हमारे जो अर्थिंग पिन होती है वो हमेशा मोटी होती है। दोस्तों क्या होती है? दोस्तों मोटी होती है, क्यों होती है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम देखते हैं, देख रहे हैं अब ये प्लग हमने लिया है, उसमें अर्थिंग पिन ये हो गई, ये हमारा फेज हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं अर्थिंग पिन हमें दिख रही है मोटी, ठीक है। आज हम इस पर चर्चा करते हैं, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आपके घरों में यूज हो रही है, आप इसको इसके बारे में जानना भी चाहिए आपको कि क्यों मोटी होती है, ठीक है। अगर मतलब नॉर्मल भी अगर दो तीन लोग ऐसे बैठे हैं, किसी ने पूछ लिया, भाई एक बात जानते हो, जो प्लग होते हैं उनमें अर्थिंग पिन एक एक तीन होते हैं, एक ऐसी कौन सी पिन है जो मोटी होती है, तो आप बता सकते हो अर्थिंग पिन होती है। अब उसने पूछ लिया क्यों होती है, इसके आपके बारे में आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। इसके ब्रीफ हम बताते हैं क्यों होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अर्थिंग पिन, अर्थिंग प्लग मैंने दो टाइप का लिया है, एक मतलब आपका सिलेंडर का टाइप का है, एक आपका मतलब स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। ये लंबी और मोटी क्यों होती है, इस पर चर्चा करते हैं। ये हमारा कनेक्शन है, इसका कनेक्शन पहले देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेज हो गया, ये हमारा अर्थिंग हो गई, ठीक है। ये इंटरनल है, इसको खोलेंगे आप, इसके अंदर कनेक्शन होता है, और इसमें फ्यूज भी लगा है दोस्तों। फ्यूज नॉर्मली लगाते नहीं है, बस सेफ्टी के लिए फ्यूज इसलिए लगाते हैं इनकेस की जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट है आपके मतलब घर पे, फ्रिज हो गया, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, आपका मतलब प्रेस हो गया, आपकी अर्थ केतली हो गई, मतलब एक इलेक्ट्रिक केतली आती है ना वो हो गई, इनकेस कभी शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपकी मतलब इक्विपमेंट सेफ रहेगी, फ्यूज उड़ जाएगा तो वहाँ पे सप्लाई पावर जाना बंद हो जाएगी। ये फ्यूज हमेशा लगा किस में होता है दोस्तों, जानते हैं आप? ये फेज वायर के साथ ही लगा होता है, न कि न्यूट्रल और अर्थिंग के साथ लगा होता है। देख रहे हैं आप, ये लाइव वायर है, यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। ये फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से केबल इंटर करेंगे, ये है, इसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं इसके कनेक्शन देखते हैं दोस्तों। कनेक्शन क्या है, ग्रीन वायर जो होगी, ग्रीन एंड येलो अगर होगा तो ग्रीन एंड येलो हमारा किस में आ जाएगा, कि ग्रीन एंड येलो हमारा हो जाएगा अर्थिंग के लिए, ओके, अर्थिंग के लिए। ये कहीं कहीं आपको येलो ही मिलेगा या ग्रीन ही मिलेगा, येलो नहीं मिलता, ग्रीन ही मिलता है, तो आप समझ जाना कि वहां पे अर्थिंग ही है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रीन एंड येलो को ही अर्थिंग मानते हो, ऐसा नहीं है। इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार मतलब दो तरह की अर्थिंग होती है, एक ग्रीन भी होती है, एक ग्रीन एंड येल्लो भी होती है, ठीक है दोस्तों। ब्राउन, ब्राउन इज द लाइव वायर एंड लाइन, यहाँ पे ब्राउन है, यहाँ ये देख रहे हैं ये वाली हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ये हमारा जो है ये लाइव वायर होती है दोस्तों। लाइव वायर ब्राउन आपको बेसिकली मिल जाएगा, अगर ब्राउन नहीं है दोस्तों ना, वहाँ पे लाल कलर होगा, रेड कलर का होगा, तो आप उसको समझ लीजिए वो मतलब आपकी लाइव वायर है, मतलब फेज वायर है। और यूएस में उसको ब्लैक में मतलब फेज वायर यूज करते हैं। अब ब्लू लाइन आपका न्यूट्रल होगा दोस्तों, और यूएस में उसको वाइट से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा मत पकड़ना यूएस में, हम इंडिया में हैं, हम इंडिया की बातें करते हैं दोस्तों। इंडिया में हमारी कैसी होती है, ब्लैक कलर होगी या तो ब्लू कलर होगी दोस्तों, ठीक है, ब्लैक कलर होगी या तो ब्लू कलर होगी, इतना समझ लें, न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पर जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं, अर्थिंग पिन मोटी क्यों होती है और लंबी क्यों होती है। अर्थिंग पिन मोटी और लंबी इसलिए होती है दोस्तों, देखो मैंने इसमें पूरा लिख दिया है कि क्यों होती है, जिससे कि आप इनकेस भूल भी जाओ तो आप एक बार वीडियो ऑन करना, इसके बाद पॉज करना, तो चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर अर्थिंग पिन अगर किसी सॉकेट में हम इंसर्ट कराते हैं, ये वाली पिन आप देख रहे हो ना, ये वाली पिन अगर हम किसी सॉकेट में इंटर कराते हैं, तो ये देख रहे हो इन दोनों से लंबी है, तो पहले ये जाएगी, क्यों जाएगी दोस्तों। अब मैं इसका बताते हैं क्यों लंबी रखते हैं, कि इन केस आपका इक्विपमेंट कहीं शॉर्ट हुआ है या आपको कोई खराबी हुई है, आपके मतलब फ्रिज, एसी, कूलर कुछ भी हो, आपके जो घर के इक्विपमेंट, यहाँ तक इंडस्ट्रियल में भी हो, कुछ भी हो, खराब हुआ, पहले ये इंसर्ट करेगा दोस्तों, ये अंदर जाएगा सॉकेट में, तो अगर खराब हुआ रहेगा जैसे ये फेज जाएगा वहां से मतलब अर्थिंग के होते हुए निकलेगा, आपको शॉक लगेंगे, शॉक प्रिवेंटर के लिए यहाँ पे ये काम कर जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसका लंबी क्यों होती है। और मोटी,
मोटे की बात मैं कर देता हूं दोस्तों। मोटे इन द सेंस मैं आपको एक फार्मूले पे ले आता हूं दोस्तों, जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, ये हो गया आर इक्वल टू, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गई, इसकी लंबाई हो गई और इसकी डाया हो गई। ये मोटी वाली डाया की बात कर रहा हूँ। अगर इनके दोस्तों समझ लीजिए, ये दोनों हमने कांस्टेंट ले लिया सभी में, मतलब उसकी लंबाई हमने सब में सेम ले ली है, लेकिन उसकी मोटाई बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे मोटाई बढ़ाएंगे दोस्तों ना, जैसे ये मोटाई बढ़ाएंगे इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। देख रहे हो आप, मतलब अगर आपका रेजिस्टेंस ये बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही बढ़ेगा ये हमारा बढ़ेगा तो हमारा ये कम हो जाएगा दोस्तों, हमारा रेजिस्टेंस तुरंत कम है। ये रेजिस्टेंस है, ये इसका एरिया है दोस्तों, इसका इसका ये इसका, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस और एरिया मैंने दिखाया यहाँ पे। ठीक है, अगर इनके इस रेजिस्टेंस उसकी मोटाई ज्यादा हो गई, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आप एक चीज अच्छी तरीके से जान लीजिए, अगर नहीं जानते होंगे, हमेशा करंट फॉलो करता है लो पाथ रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। मतलब जहां पे रेजिस्टेंस, जहां पे बाधा कम आएगी वहां पे करंट फ्लो करेगा। इसीलिए अर्थिंग की जो आप पिन देख रहे हैं ना, ये पिन, ये वाली पिन, ये वाली पिन, ये दोनों इसीलिए मोटी रखी जाती हैं दोस्तों, कि वहां पे रेजिस्टेंस कम हो, इनकेस कोई फॉल्ट हो या कुछ भी हो, लीकेज करंट हो, हमारा इन दोनों में से ना होते हुए हमारा इससे मतलब रिटर्न अर्थ में चला जाए, जैसे आपको शॉक ना लगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने पॉइंट जो नोट डाउन किए उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमने पहले ही पॉइंट पॉइंट बता दिया आपको। ठीक है, क्या है कि 3 पिन प्लग सॉकेट है, उसमें पहले वो इंसर्ट करता है, ठीक है, निकालते वक्त भी वही इंसर्ट करता है दोस्तों। और मोटाई के बारे में हमने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिया दोस्तों। एग्जाम्पल नहीं, यही यही इसका रीजन ही है दोस्तों, रीजन इसका यही है। जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसकी मोटाई के ऊपर डिपेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये हमारा कम हो जाएंगे, वहां से रेजिस्टेंस कम हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएंगे तो करंट हमारा इसी के थ्रू फ्लो करने लगेगा दोस्तों। ठीक है, कोई इशू आएगा तो इसी के थ्रू फ्लो फ्लो करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा अर्थिंग पिन मोटी होने का कारण और लंबी होने का कारण, जो हमने यहाँ पे कवर किया। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। इसके बारे में आपको जितना हो सके उतना समझिए और जानिए, और इसको अपने मन में बिठा के रखिए कि अर्थिंग पिन मोटी क्यों होती है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत यूज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।